वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। आई नो बहुत टाइम बाद आपकी जो है क्लास अब आई है, क्योंकि आपको पता ही है मेरी जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब। पहले मेरी ट्रेनिंग थी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई है और अब जाके चीज़ें जो हैं वो सेटल हुई हैं। तो जो अब हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, उसके लिए साइंस पेपर 2 की जो तैयारी है अब वो हम कंसिस्टेंसी से करेंगे। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, उसमें आप साइंस पेपर 2 में डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर जो है वो आप कर लेंगे। नोट्स वगैरह अगर आपको लेने हैं, वो पहले भी बच्चे ले रहे थे, अभी भी आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, आप खुद देखिएगा, मैं आपको खुद चीज़ें दिखा दूंगी। अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन आपको आपके नोट्स से ही मिल जाएंगे। उनकी एक एक चीज़ आपको पढ़ लेनी है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जितने भी 2011 से शुरू हुए हैं 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर, साथ में जो टॉपिक सीरीज मैंने कराई थी उनकी PDF सब आपको मिल जाएगी। उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। देखिए, आज की क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पेपर हुआ था आपका 2024 में जनवरी में, उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं उसी को रिलेट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर जो 2024 में हुआ था वो देखने वाले हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज लेके आएंगे, जिसमें NCERT के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपको इस तरह वाले ही रिलेट करते हुए क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। मैं खुद NCERT से देख के क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगी। तो इस तरह से हम एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। बाकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या कहते हैं टॉपिक वाइज सीरीज मिल जाएंगी, थ्योरी मिल जाएगी, वो सब आप पढ़ सकते हैं। बाकी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो उनमें ही आपको इतनी अच्छे से समझा दूंगी चीज़ों को, फिर आपको कोई भी दिक्कत जो है वो आपको एग्जाम में फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, ये साउंड वाले चैप्टर से जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ध्वनि से, पैराग्राफ की फॉर्म में, फिलअप की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। देखिए, जो ध्वनि होती है वो कंपन के माध्यम से उत्पन्न होती है, क्योंकि आपको पता होगा जो साउंड होती है उसको क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है। अगर माध्यम मीडियम नहीं होगा तो वहाँ पर साउंड जो ध्वनि है वो प्रोड्यूस नहीं होती, जैसे आपका मून हो गया, चाहे आपका वैक्यूम हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर कोई भी मीडियम है, कोई भी माध्यम है, तो उस मीडियम में क्या होते हैं आपके पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, कण होते हैं। और वो जो कण होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है साउंड क्या है, साउंड एक वेव है, एक तरंग है, तो उस तरंग से जब वो पार्टिकल, जो वो पार्टिकल होते हैं उनमें जब वो तरंग जाती है तो वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन करते हैं, वो पार्टिकल कंपन करते हैं, और उसी से क्या होता है, जो साउंड है, जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके डिफरेंट वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं, हमें उनसे पहचानना है कौन से इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर, कौन से यंत्र की जो है वो यहां पर बात हो रही है। इन आ एक्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कहां से, ताने तारों के माध्यम से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ध्वनि प्रोड्यूस करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी स्ट्रेच स्ट्रिंग को लेकर क्वेश्चन बना था, तो वहां पर सीधा सा गिटार वहां पर भी लिखा हुआ था, तो इसी से आप पहचान जाते हो। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हमारा आंसर होगा, गिटार, पहले ही ऑप्शन से पहचान जाएंगे। बाकी अब आपको याद रखना होगा, जब भी स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात हो तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो इंस्ट्रूमेंट वहां पर किसकी बात हो रही है, वहां पर गिटार की बात हो रही है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जहाँ पर हम क्या करते हैं, तानित झिल्ली के माध्यम से ध्वनि जो उत्पन्न होती है, देखो आपने देखा होगा जो तबला होता है उसमें एक झिल्ली जो है वो बनी होती है, उसके माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, तबला हो जाएगा। और तीसरे में क्या है, एयर कॉलम, हवा के, हवा वायु स्तंभ के माध्यम से जो ध्वनि है वो वहाँ पर उत्पन्न हो रही है, तो वो किस में होती है, वो आपकी शहनाई में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, तो साउंड चैप्टर से ये क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन कराई थी तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो आपको बताए थे। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट एंड एनिमल इन स्मॉल क्वांटिटीज। निम्न में से पादप सूक्ष्म पोषकों के समूचे की यहाँ पर हमें पहचान करनी है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट और एनिमल को कम अमाउंट में चाहिए होती हैं, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका जिंक, आयरन और मैग्नीज। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं, देखिए जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, जिन बच्चों ने भी नोट्स लिए हैं उनकी इसकी PDF विद आंसर जो है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपके क्या होते हैं जो नीचे लिखे हैं, ये सारे के सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अब आप याद रखेंगे, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, बोरोन, कॉपर,
क्लोरीन, ये आपसे पूछ सकता है सब, तो याद रखेंगे ये नाम आप याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये इनकी जो डेफिशिएंसी है वो ग्रोथ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। उसके अलावा दूसरे होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर, ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ये मैक्रो होते हैं। और नीचे वाले जो दे रखे हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का यहाँ पर हमको चयन करना है। असर्शन, अभिकथन और कारण को लेकर क्वेश्चन आपके बनते हैं। द स्टार इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब अर्थ है वो रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घूर्णन करती है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो हाँ बिल्कुल ये सही है, जो हमारी अर्थ होती है, देखिए ये हमारी अर्थ है, ये क्या हो रही है, सपोज ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा सन है। सन क्या है, सन भी तो एक स्टार ही है। तो जब हमारी अर्थ जो है यहाँ पर मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, तो देखिए पहले तो ईस्ट था, तो फिर ईस्ट यहाँ से खिसक गया, अभी तो हमें सन ईस्ट में दिख रहा था, लेकिन फिर जैसे ही वेस्ट टू ईस्ट में आपकी अर्थ मूव करी तो वेस्ट इधर आ जाएगा, तो हमें सन जो है कहाँ से दिखता जाता, सन जो है वो हमें ईस्ट से वेस्ट में दिखता हुआ जाता हुआ दिखता है, जबकि जो अर्थ है वो हमारी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट में घूम रही है। इसी वजह से क्या होता है, ईस्ट तो निकल जाता है फिर वेस्ट जाता है, तो इसलिए हमें सन जो है शुरू में ईस्ट में दिखता है फिर वेस्ट साइड जाती है, इसलिए फिर वो ईस्ट टू वेस्ट में हमें जाते हुए जो है वहां पर दिखता है। ये रीजन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहां पर सही होगा। दोनों ए और आर, असर्शन और रीजन जो है, अभिकथन और तर्क जो है, दोनों के दोनों सही हैं। और जो यहां पर ये रीजन है आर जो है वो उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है कि पृथ्वी जो है वैसे इसकी तरफ घूर्णन करती है, उसी वजह से हमें जो स्काई स्टार है स्काई में वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं ईस्ट टू वेस्ट, जैसे सन उसके मैंने आपके एग्जांपल के तौर पर बता दिया। बाकी यहाँ पर लिखा भी है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो कभी कभी पूछ सकता है फिलअप की फॉर्म में किसकी वजह से जो हमें स्काई हैं वो दिखाई देते हैं ईस्ट टू वेस्ट, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। रस्टिंग ऑफ आयरन से लेके 2023 के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहीं से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस बार कथन की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब बताना है कौन सा यहाँ पर उससे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। निम्न में से कौन से कथन लोहे में जंग लगने के संबंध में सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है, देखिए आयरन, आयरन क्या है, एक मेटल है, एक धातु है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, मेटल और नॉन मेटल वाला जो चैप्टर है हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर ये पूरी रिएक्शन आपको जब नोट्स में देखेंगे दिखेगी। आयरन क्या है, एक मेटल है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर जो मेटल है आयरन है, जब ये ऑक्सीजन और वाटर, वाटर मतलब हवा में नमी होती है, आप देखेंगे लोहे को लंबे टाइम तक रख देते हैं तो नमी और ऑक्सीजन में क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, बेसिकली क्या हो जाता है वहाँ पर वो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, FeOFe2O3। ठीक है, तो याद रखेंगे आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है आपका जंग जो है वो लग जाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। इट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन और ऑक्सीजन, बिल्कुल यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती है, बिल्कुल आयरन और ऑक्सीजन और साथ में वाटर जो है, नमी जो है वो भी वहाँ पर होती है, उन्हीं की क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शन होती है और उसी में क्या होता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे पर जो जंग है वो आपका लगता है। ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल ये है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जहाँ पर बहुत सारी एनर्जी और हीट जो है रिलीज होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखिए आप सोचेंगे यहाँ पर तो हमें जो है हीट दिखती नहीं है आयरन में रस्ट रखते, एक्चुअली वो प्रोसेस इतना ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल मतलब बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें जो उसमें से रिलीज हीट वहाँ पर निकल रही है वो हम उसको नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ पर क्या होता है रिलीज ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब भी एनर्जी रिलीज होगी किसकी फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में, तो वहां पर रिएक्शन कैसी होती है, वो आपकी एक्सोथर्मिक, आपकी ऊष्माक्षेपी जो है वहां पर रिएक्शन होती है, क्योंकि वहां पर क्या प्रोड्यूस होती है, वहां पर हीट जो है और जो लाइट है, जो प्रकाश है वो उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी ग्रेजुअल होती है, इतनी धीरे धीरे होती है कि हमें जो रिलीज, जो हीट वहाँ पर, जो ऊष्मा वहाँ पर निकल रही है वो हम उसको इजीली नोटिस नहीं कर पाते। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये, और ये केमिकल रिएक्शन थी आयरन और ऑक्सीजन की। इट कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल आप लोहे को रूम टेम्परेचर पर भी, छत पर एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पर कहीं भी रख देंगे तो कुछ समय बाद, बहुत लंबे समय में आप देखेंगे लोहे पर जंग आपको लगती हुई दिखाई दे जाएगी। तो ये रूम टेम्परेचर
पर भी टेक प्लेस कर सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है एक बार लोहे पे जंग लगे तो लोहा फिर से आप वापस पा लेंगे क्या, नहीं। तो ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट पूछा था, तो ए बी सी जो है वो मेरे यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम में भी। ये क्वेश्चन तो आपका पूरा नोट से उठा लिया, पूरी रिएक्शन में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे थे, बता रखे थे, इवन मैंने ऐड भी कर दिए हैं। यहाँ पर मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से, ठीक है। इसको समझने से पहले आप ये देख लीजिए, जब आप देखिए नोट्स का मैंने सेक्शन उठा लिया, जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें आप देखेंगे मेटल और नॉट मेटल वाले चैप्टर में हम देखते हैं मेटल की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है वो आपका क्या है, मेटल होता है। जब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो वो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हुई तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO। ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अब ये जो कैल्शियम का ऑक्साइड है, फर्दर इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये बनाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर यही पूछा गया था कि स्लेक्ड लाइम आपका क्या होगा, तो यहाँ से आप पहचान जाएंगे जो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड है, वो यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, स्लेक्ड लाइम हो जाना है, जो एकमात्र फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में हमें देखने को मिलेगा। हिंदी में कहें तो बुझा चूना की यहाँ पर किससे मैच हो जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मैच हो जाएगा। टेबल सॉल्ट तो आपका नॉर्मल वाला सॉल्ट होता है, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया आपका, कॉमन सॉल्ट यहाँ पर ये हो जाता है। मतलब बी का जो मैचिंग होगा वो 6 से होगा जो कि फोर्थ ऑप्शन में नहीं दिखती। इट मीन्स पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सिर्फ 2 आपको पढ़ने पड़े और आप अपने आंसर पर पहुँच गए। इस तरह की अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए क्विक लाइम है, जो मैंने अभी आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो वो कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है। तो ई की मैचिंग यहाँ पर आपकी फर्स्ट से हो जाएगी। और ये जो क्विक लाइम है इसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, लेकिन जब इसकी पानी से रिएक्शन करा दी तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसके आगे भी एक रिएक्शन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, जिसे हमने स्लेक्ड लाइम बोला था, बुझा हुआ चूना बोला था, फर्दर उसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। या एक बार क्वेश्चन बना था कि लाइम स्टोन जो होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को और हम किस किस नाम से जानते हैं, तो लाइम स्टोन भी हम इसे कहते हैं, चूना भी कहते हैं, या फिर चौक जो है वो तीनों हम यहाँ पर कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, क्या बोलते हैं आपका कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइमस्टोन, चूना या चौक। तो याद रखेंगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो वहां पर क्या बना आपका, लाइमस्टोन बना। तो यहां पर लाइमस्टोन जो है वो आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, चूना पत्थर हम जिसको बोल रहे हैं, तो यहां पर इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट से। सी की मैचिंग थर्ड से ही हो जाएगी। उसके अलावा आपको जो 2 चीज और है वो याद रखनी है, कास्टिक सोडा। देखिए जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हैं तो वहां पर हम कास्टिक सोडा का काफी बार जो है वो करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस का काम करता है। ये आपको पता है ये क्या है, ये बेस है, ये क्षार है। जब भी OH आ जाता है तो वो बेस होता है, क्षार होता है। एसिड और बेस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखेंगे तो वहां पर बहुत बार जिक्र आया है किसका, कास्टिक सोडा का। तो ये जो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो डी का मिलान किससे हो जाएगा, 5th से हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो बेकिंग सोडा है ये आपको याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यही आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आंसर था। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, नोट्स में आपको ये मिल भी जाएगा। देखिए नोट्स आपको चाहिए, बायलिंगुअल 6, 7, 8 के नोट्स हैं, बिल्कुल अच्छे नोट्स हैं, जहाँ से डेफिनेटली 20 में से आपको 14 से 15 क्वेश्चन आपको, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, देखने को मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर 21, 22, 23 की जितनी भी शिफ्टों में हुए हैं, 2023 में तो एक शिफ्ट में हुआ, 24 में एक शिफ्ट में हुआ, वो सारे क्वेश्चन। साथ में जो 20 टॉपिक सीरीज आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, सारे टॉपिक वाइज जो सीरीज़ करा रखी है, फूड के सारे क्वेश्चन एक साथ, मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन एक साथ, वो सारी की PDF भी आपको मिल जाएगी। साथ में शॉर्ट समरी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, ये मेरी UPI ID है। नहीं तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, मेरे को WhatsApp कर सकते हैं इस नंबर पर 9411662115। आपको सारे नोट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिससे आप क्या होगा, साइंस में एक बहुत अच्छा स्कोर जो है आप कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका पैडागोजी का क्वेश्चन है और जो पैडागोजी के की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनसे ही ये क्वेश्चन आपका उठाया गया है। प्रीवियस ईयर सारे पैडागोजी क्वेश्चन देखे हैं तो तब भी आप इसका आंसर कर जाते। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की हमें पहचान करनी है। पहला क्या दे रखा है, फैक्ट क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है दैट हैज़ रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समय पर ही बारंबार सही पाया जाता है, जैसे बिल्कुल सही बात। जैसे मैं आपसे ये कहूँ एक इंसान है झूठ बोलता है, वो डेली झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तो हमें क्या बोल देंगे कि वो इंसान क्या है, वो झूठा है। तो वो उन्हें एक फैक्ट बोलते हैं, एक चीज को लेके, वो एक ऑब्जर्वेशन है जिसे हम अवलोकन है, जिसे हम देख रहे हैं, वो रिपीटेडली हो रहा है बार बार, और बार बार सच हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है और बार बार वही चीज होती जा रही है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपको हम वहां पर फैक्ट बोल देते हैं, वो एक तथ्य हो जाएगा। तो ये बात यहां पर बिल्कुल क्या है, आपकी सही है, तो ए तो सही हो गया। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन में दे रखा है अ लॉ इज अ थ्योरी। देखिए लॉ और थ्योरी अलग अलग होते हैं, की पॉइंट्स में अलग अलग साफ बताया, इसी के साथ देखते ही आप समझ जाते सेकंड यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, केवल ए। लॉ अलग चीज़ है, थ्योरी अलग चीज़ है। थ्योरी क्या होती है, जो ऑब्जर्वे जो हमने देखा उसकी विस्तृत व्याख्यान, डिटेल एक्सप्लेनेशन जो हम करते हैं वो थ्योरी होता है। लेकिन लॉ क्या होता है, उससे जो एक कॉन्क्लूजन निकल कर आया, एक जनरल स्टेटमेंट जो निकल कर आया, वो हमारा वहाँ पर लॉ होता है। तो लॉ और थ्योरी जो है वो अलग होते हैं, लॉ एक थ्योरी नहीं होता। तो बी यहाँ पर गलत हो गया, ए केवल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने फॉर्म में बना लिया, लेकिन आप अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन इसने पैडागोजी की फॉर्म में पूछा है, ना कि आपका थ्योरी की फॉर्म में पूछा है। यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि वैन अ निगेटिवली चार्ज रॉड, एक रॉड है, ये रॉड है, इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये रॉड है, इस पर क्या है, आपके ऋण आवेश है। इस बॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो है गोल सा आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या बताया, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव मूव फर्दर अपार्ट। पहले स्टेशन में क्या हुआ, उन्होंने देखा ये जो इलेक्ट्रोस्कोप की, देखिए ये जो लीव्स हैं नीचे की तरफ, ये जो दिख रही हैं दोनों, ये दोनों अलग अलग हो गई। तो ये हमने देखा, अब देखिए कोई भी चीज़ हो रही है, अगर वो हमने देखी है तो वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन पैडागोजी के हमने पहले भी करे हैं, यहाँ पर बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये तीनों क्या हैं। तो पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन है, सीधी सी बात है, जब ये एक्सपेरिमेंट करा गया होगा तो इसमें साफ साफ बोला गया जो इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स हैं वो दूर चली गई। तो आपने ये बात कैसे बोली, जब आपने देखा होगा, तो ए तो यहाँ पर क्या है, पक्का क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन है। अब जब ये ऑब्जर्वेशन है, उससे फिर आपने कुछ रिजल्ट निकालना होगा, वो क्या हो जाएंगे, वो आपके इन्फ्रेंस हो जाएंगे, वो आपके निष्कर्ष हो जाएंगे। बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव एक्वायर सिमिलर चार्ज, देखिए जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव है जो नीचे बनी हुई है, दोनों पर सेम चार्ज रहा होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे से दूर हो गई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आया होगा कि जो लीव है वो दोनों दूर तो चली गई, क्यों चली गई, वो इसलिए चली गई, उसके पीछे एक निष्कर्ष ये निकल कर आया कि जो इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स थी उन पर सिमिलर चार्ज रहा होगा, इसी वजह से क्या होगा, वो दोनों वहाँ पर क्या हो गई, दूर हो गई। द निगेटिव चार्जेस पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कोजिंग इट लीव टू मूव फर्दर अपार्ट। यहाँ पर भी ये बोल दिया कि जो निगेटिव चार्ज है वो रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो लीव्स हैं वो दूर चली गई। तो ये दोनों तो हमारे यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष हैं। ए क्या है, यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैं अब आपको इसको समझा देती हूँ, ताकि थ्योरी में भी अगर ये क्वेश्चन बने तो आप कोई गड़बड़ ना करें। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, ये यहाँ पर इसकी लीव्स हैं। अब ये यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर आपको दिखा रखी है, ये है आपकी निगेटिव रॉड। देखिए ये निगेटिव रॉड है, जब ये इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाई गई, जिस पर जो क्या है, अभी अनचार्ज है, क्या है, अनचार्ज है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैंने आपको समझाया था, तीन तरीके होते हैं जिसमें इंडक्शन एक मेथड होता है। इंडक्शन में क्या होता है, जब कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास लाई जाती है, तो बिना टच करे उस दूसरी बॉडी पे भी क्या हो जाता है, अपोजिट चार्ज जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप में ऊपर की तरफ क्या जाएगा, सब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो नीचे जो लीव्स है उसमें क्या रह जाएगा, दोनों तरफ निगेटिव चार्ज रह जाएगा, जिसकी वजह से ये पत्तियाँ दो हैं दोनों अलग हो जाएंगी। समझ में आया, इसी वजह से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप की लीव है वो दूर चली गई, क्योंकि इन दोनों लीव्स पर कैसे चार्ज आ गए, दोनों पर निगेटिव आ गए, क्योंकि इंडक्शन के मेथड से इस निगेटिव के इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो है क्या आ गए थे, पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, क्योंकि अनचार्ज बॉडी है, और अनचार्ज बॉडी के पास जब चार्ज बॉडी लाई जाती है, बिना टच करे जब लाई जाती है, तो उसमें अपोजिट चार्ज जो है वो देखने को मिलता है।
अब दूसरे केस में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक इंसान ने क्या करा, अपना हैंड टच कर दिया, तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, नीचे से ग्राउंड के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो वहाँ पर ऊपर चले गए और उसने क्या करा, बैलेंस कर दिया निगेटिव पॉजिटिव को, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पर ये है रॉड के अंदर वाला, ये सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर से क्या जो है लीव्स हैं वो पास में आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही इसने अपना हाथ हटाया होगा, सेम फिर से क्या हुआ होगा, जो पूरी बॉडी थी वो तो पॉजिटिव चार्ज थी, तो वो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो जब पूरी ही बॉडी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, फिर से वही कंडीशन क्या आ जाएगी, लीव्स में क्या है, दोनों पत्तियों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सेम चार्ज होने की वजह से दोनों पत्तियां क्या हो जाएंगी, फिर से दूर हो जाएंगी। शुरू में तो दोनों पत्तियों में निगेटिव चार्ज आया, लेकिन बाद में दोनों पत्तियों में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन अभी भी क्या है, सेम चार्ज है, जिसकी वजह से फिर से क्या हो जाएंगी, ये दोनों अलग हो जाएंगी। तो पहला आपका क्या था, वो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, उससे दो निष्कर्ष वहां पर निकल कर आए कि जो है क्या क्या निष्कर्ष निकल कर आए, जो ये इलेक्ट्रोस्कोप की पत्तियां हैं दोनों पर निगेटिव सेम चार्ज था, जिसकी वजह से ये दूर हो गई, और दोनों पर निगेटिव चार्ज था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये दूर हुई थी। तो बी और सी मेरे यहां पर निष्कर्ष हैं, यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, बी और सी, जो ए जो है वो मेरा अवलोकन है, जबकि बी और सी मेरे क्या है, ये निष्कर्ष हैं, अनुमान जो है वो मेरे इन्फ्रेंस हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में भी इस तरह से ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, चार्ज चार्ज के जो होते हैं वो तीन मेथड होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। तीनों मेथड मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए चार्जिंग, कोई भी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं, तो फ्रिक्शन मेथड हमारा सबसे पुराना मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज जो हैं दोनों बॉडीज़ पर आ जाती हैं, जब वो एक दूसरे से रगड़ी जाती हैं, जब रब करते हैं, जब हम दो बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे पर, तो दोनों पर क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज जो है वो हमें देखने को मिलता है रब करने पर। वो कौन सा मेथड होता है, वो हमारा फ्रिक्शन मेथड होता है। उसके बाद सेकेंड मेथड होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, देखिए हम यहाँ पर करते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी चार्ज बाई टचिंग इट टू अ चार्ज बॉडी। यहाँ पर हम टच करेंगे, याद रखेंगे, दिस हैपन बिकॉज सम चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी गेट ट्रांसफर इन टू द अनचार्ज बॉडी। कहने का मतलब यह है कि ये अनचार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी पे सपोज निगेटिव चार्ज है ना, ऋण आवेश है, और ये अनचार्ज बॉडी है, जब मैंने इसको इससे टच कराया तो इसके कुछ निगेटिव चार्ज जो हैं वो इस पर आ गए। कहने का मतलब ये है, तो इस पर भी क्या आ गया, निगेटिव चार्ज ही आ गया टच करने से। तो ये कौन सा चार्ज का मेथड होता है, ये कंडक्शन होता है, ये आपको याद रखेंगे। और लास्ट में एक और मेथड होता है इंडक्शन। इसमें क्या होता है, जो अभी उसमें हो रहा था इलेक्ट्रोस्कोप वाले में और निगेटिव रॉड में, तो निगेटिव रॉड जो थी वो इलेक्ट्रोस्कोप से टच नहीं कराई गई, उसके सिर्फ पास लाई गई। पास लाने पर भी देखो यहाँ पर लिखा है बॉट नियर, नियर लाई गई बट टच नहीं कराया गया, तो वो मेथड होता है चार्ज बाय इंडक्शन। उसमें क्या होता है, तो जो चार्ज बॉडी है वो जो अनचार्ज बॉडी है, जो चार्ज बॉडी होती है उससे अपोजिट चार्ज जो है वो अपने ऊपर एक्वायर जो है वहाँ पर कर लेती है। जैसे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, जिसकी वजह से लीव्स में नीचे की तरफ क्या रह जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसी की वजह से दोनों निगेटिव चार्ज होने की वजह से वो वहाँ पर दूर हो गई थी। तो ये तीनों मेथड भी आपको याद रखने होंगे, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती हैं, तो ये आपको पता हुआ सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वहाँ पर उत्तरदायी होते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी और ई, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिस स्किल। निम्न में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल को निर्देशित नहीं करता है। परिकल्पना मतलब जब आप सोचते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है कौन सा इंडिकेट नहीं कर रहा है। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन विच लीड टू इंक्वायरी, खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। देखिए सीधी सी बात है, आप कोई प्रश्न उठा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, तो सीधी सी बात है आप उसमें सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपकी परिकल्पना स्किल है, हाइपोथेसिस स्किल है, कहीं ना कहीं वो डेवलप हो रही है, तो ये बात तो यहाँ पर सही हो जाएगी। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन और रिलेशन इन टर्म ऑफ सम प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन और तथा संबंधों की व्याख्यान करने का प्रयास करना। जो आपने ऑब्जर्वेशन, जो आपने देखा और जो रिलेशनशिप वहाँ पर बन रहा है, उन सब चीज़ों को जोड़कर बताना भी कहीं ना कहीं आपकी परिकल्पना स्किल, क्योंकि आप वहाँ पर सोचेंगे तो कुछ बातें आप वहाँ पर बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी परिकल्पना हाइपोथेसिस स्किल को कहीं ना कहीं दिखाता है, तो बी भी सही होगा। यूज द सेंस ऑर्गन टू गैदर इंफॉर्मेशन, देखिए ये ऑब्जर्वेशन में हम करते हैं ना कि परिकल्पना में, पर परिकल्पना में बेसिकली आप सोच रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में आप अपने सेंस ऑर्गन मतलब आप आंखों कानों का ध्यान से आप चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर परिकल्पना, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम अवलोकन करते हैं, वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन जब परिकल्पना
कल्पना की बात आती है तो वहाँ पर हम सिंपली क्या होते हैं, अपने मस्तिष्क में सोच रहे होते हैं। तो सेंस ऑर्गन, हम यहाँ पर सेंसेस का यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, ये ऑब्जर्वेशन में होता है, अवलोकन में होता है, ना कि आपकी परिकल्पना में। तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो एक सही इंडिकेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, बहुत इजी है। मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में नोट्स में देखिए, मैंने वहीं से उठा लिया ये लाइन ताकि आपको पता चल जाए नोट्स से क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, सही कथनों की पहचान कर लिए। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बिल्कुल सही बात है। नोट्स में आप देखेंगे मैंने साफ साफ बताया, जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, वो पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं और मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर फर्दर जो ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये धातु के जो ऑक्साइड हैं, फर्दर क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वहाँ पर बनाते हैं। जैसे कैल्शियम था, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई थी तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाया। और इस कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन देखिए, जब मैंने पानी से बना दी करा दी तो बाद में उसने क्या बना दिया, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनाया था CaOH2। तो यहाँ पर ये यही बात कह रहा है। तो मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं आगे क्या, किसके साथ, वाटर के साथ, और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर रिलीज करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी बनता है। जबकि जो अधातु होते हैं वो सामान्यतः क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बात भी सही है। सेम ऐसे ही जो नॉन मेटल होते हैं, जो अधातु होते हैं, वो एसिड के साथ भी जो है वहाँ पर रिएक्ट नहीं करते, ये बात भी यहाँ पर सत्य है। तो याद रखेंगे दोनों बात ही यहाँ पर ट्रू है। तो ये पूछ रहा है कौन से सही कथनों की पहचान करिए, तो बोथ ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी जो दोनों हैं वो यहाँ पर क्या है, आपके सही हैं। देखिए उसके अलावा मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख भी दिया है, मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस दोनों के साथ, और साथ में क्या बनाते हैं। देखिए वहाँ पर हमने पीछे अभी सिर्फ ये देखा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि जो मेटल होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, एसिड हो चाहे बेस हो, अम्ल हो या क्षार हो, उनके साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर सॉल्ट जो है वो फॉर्म वहाँ पर कर लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है, आपका एक मेटल है, धातु है, जब वो आपका HCl आपका क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट बनाता है, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है वो वहाँ पर रिलीज होती है, किसके साथ, पॉप की ध्वनि के साथ। कभी कभी क्वेश्चन बनता है पॉप की ध्वनि के साथ कौन सी साउंड, कौन सी गैस रिलीज होती है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम वहाँ पर होते हैं, यही हिंदी में भी लिखा है। अब देखिए सेम नॉन मेटल के लेके यहाँ पर लिखा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है, एसिड और बेस के साथ वहां पर क्या होते हैं, आपके रिएक्ट नहीं करते। सेम ऐसे ही वाटर के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सिंपल अपना एक लॉजिक लगाना था, और ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बना है 2023 में। अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, ठीक है, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट देन रिटर्न टू द थ्रोअर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यूज ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। एक गेंद को हवा से ऊपर की ओर फेंका गया, वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात क्या होता है, फेंकने वाले के पास वापस आ गई। गेंद की ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्न में से कौन सी राशियां यहां पर समान रहेंगी। सीधी सी बात है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम जी वहां पर जो हो जाता है, जी जिसे हम करते हैं, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहां पर जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है, चाहे आपकी बॉल ऊपर गई फिर चाहे ऊपर से नीचे आई। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। बाकी देखिए डिस्प्लेसमेंट, देखिए क्योंकि कुछ ना कुछ दूरी बॉल यहाँ से गई ऊपर गई, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसने दूरी कवर की, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज यहाँ पर आया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। तो आप याद रखेंगे वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो भी यहाँ पर बदलती है, गेंद ऊपर जा रही है, वेलोसिटी घटती जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये घट बढ़ रहे हैं, सेम तो है ना, तो ये घट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एसिलेशन है, जो त्वरण है, सेम ऐसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो भी घटेंगी बढ़ेंगी। एसिलेशन के अलावा कभी कभी आपसे पूछ लेगा और कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है, तो वो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, याद रखेंगे जो टोटल ऊष्मा है, जो टोटल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट रहती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा होती है, जो स्थिर ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो वहां पर चेंज होती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होंगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है और जो एक्सीलरेशन है वो वहां पर, याद रखेंगे आप, कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही हो जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखने से पहले हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए जो 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें से पक्का 3 या 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हायर लेवल होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आपके लेवल के मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए गतिज ऊर्जा, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, जिन्होंने ये रिलेशन पढ़ा होगा मोमेंटम वाला और काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट पढ़ता होगा तो वो इस क्वेश्चन को कर गए होंगे, क्योंकि दोनों फॉर्मूले बच्चों को याद होते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती क्या है? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। एक वस्तु की, ठीक है, गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है किसी कार्य को करने की मोशन की वजह से, गति की वजह से, तो वही क्या कहलाती है आपकी, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे सपोज एक आदमी था, साइकिल था, वो धीरे धीरे उसको चलाता जा रहा है, उसकी स्पीड जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी वहाँ पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें पार्टिकल है, वो कंपन, पार्टिकल का कंपन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी जो है वहाँ पर बढ़ जाती है। तो कितनी कैपेसिटी वो कार्य को कर रहा है मोशन की वजह से, तो वो क्या है आपकी, गतिज ऊर्जा है। तो और वो गतिज ऊर्जा का वहाँ से एक रिलेशन निकल कर आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv². m क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान होता है, जो साइकिल है सपोज उसका कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी से वो जा रही है, मोशन कर रही है, तो इस यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². लेकिन मोमेंटम के केस में इसका एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² / 2m। तो यहाँ पर मोमेंटम की फॉर्म में ये फॉर्मूला पूछ रहा था काइनेटिक एनर्जी का, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बेसिकली हो क्या गई, 1/2 mv². तो इस केस में क्या करा, ऊपर नीचे इसमें हम क्या करते हैं, m से इसको ऊपर और नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये m का स्क्वायर हो जाएगा और v का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे तो आपका m रहेगा और यहाँ पर आपका हाफ तो रहेगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसको m v को क्या करा, ऊपर पूरा होल स्क्वायर लगा दिया और नीचे हमने क्या रहने दिया, हमारा जो m था वो हमने यहाँ पर रहने दिया, 2m हो जाएगा क्योंकि हाफ है, ठीक है। अब ये mv जो है आपको, क्योंकि पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p = mv, तो इस mv की जगह हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, मोमेंटम लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा p² / 2m। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की रिलेशन भी निकल कर आ जाती है और वही यहाँ पर पूछी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। काइनेटिक एनर्जी को देखिए अभी बॉल से भी समझ लेते हैं, जैसे एक इंसान ने बॉल को फेंका ऊपर, तो बॉल देखिए ऊपर मास है बॉल में और उसकी वेलोसिटी की वजह से बॉल ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ऊपर जाकर, तभी तो बॉल नीचे वापस आएगी, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर वो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। स्थिर ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे आप कोई तीर को, जो कोई आपका धनुष होता है उसमें जब तीर हम लगाते हैं उसको पीछे तक हम पहले क्या करते हैं, खींचते हैं, तो जब हम पीछे तक मैक्सिमम जितना खींचते हैं फिर वो एक साथ छोड़ जाता है, तो वो एक साथ जो इकट्ठी एनर्जी होती है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस केस में जब बॉल ऊपर गई तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई, फिर वो पोटेंशियल जो है वहाँ पर कम हो गई। तो देखिए काइनेटिक और पोटेंशियल में चेंज आ गया लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रही। तभी मैंने आपको कहा था कि जो त्वरण है एक्सीलरेशन है और जो एनर्जी है वो वहाँ पर कांस्टेंट रहती है। तो समझ में आया काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थी को परिचित कराने के लिए कौन सी अति उपयुक्त रणनीति होगी, ये हमें बताना है। देखिए एक्सप्लेन करना, सीधे राइट कराना, सीधे डिफाइन कराना, ये अच्छी टेक्निक नहीं होती हैं, ये आपको पता ही है। हम क्या करेंगे, होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन देयर लाइफ, जो लाइफ में उन्होंने चीज़ें देखी। जैसे हम आयरन वाला एग्जाम्पल से उनको समझा सकते हैं, देखिए लोहे में जंग लग जाती है, तो हमने पहले जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं उनसे रिलेट करते हुए हम उन पर डिस्कशन कराते हुए बच्चे को टॉपिक तक लेकर जाएंगे, यही सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने से पहले, परिचित कराने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी रियल लाइफ में जो उसने उस तरह के उदाहरण देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, उनसे कनेक्ट करते हुए, उनके साथ डिस्कशन करते हुए चीज़ों को हम समझाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नोट्स में साफ साफ जब आप देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वहाँ पर सीधे सीधे एग्जाम्पल के फॉर्म में तीनों ही एग्जाम्पल लिखे थे और वहीं से क्वेश्चन आपका बना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ एनिमल विच ऑल शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उन जंतुओं के समूचे को पहचानना है जिनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं, बॉडी के अंदर क्या होता है उनका बच्चा जो है, बेबी जो है, यंग
ह्यूमन जो है वो डेवलप होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे डॉग में भी होता है, आपका जो हैन होती है, मुर्गी होती है, उसमें भी पेट के अंदर होता है, जो आपका गाय वगैरह हो गई, डॉग हो गई, ये सब क्या है, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन जो फ्रॉग है, फिश है, स्टार फिश है, ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं, जो यंग वन है वो इनके वहाँ डेवलप जो है वहाँ पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, सेम बिल्कुल NCERT से उठा के ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया बड़ा अलग तरीके से, लेकिन पेडागोजी के फॉर्म में ये आपका क्वेश्चन है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, कॉलम ए और कॉलम बी में क्या करेगा, कुछ मिलान दे रखें, जैसे यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता है, बल की इकाई क्या होती है, वो आपकी न्यूटन होती है। सिंबल ऑफ आयरन यहाँ पर क्या होता है, Fe होता है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl होता है। सिंबल ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगा, वो आपका Ag हो जाएगा। बैटरी का चिन्ह क्या होता है, वो आपका ये होता है। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, वो आपका जूल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉलम है, अलग अलग जगह इनके मिलान दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पुअरली कंस्ट्रक्टेड। ये जो आइटम है ये पुअरली कंस्ट्रक्ट हुए हैं, बिल्कुल मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, ये अलग अलग ही कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो कौन सा मेथड यहाँ पर एक रीजन नहीं होगा जिससे हम ये कह सकें ये जो आइटम लगे हैं ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड हैं। तो हमें वो बताना कौन सा सही रीजन यहाँ पर नहीं होगा। फॉर एन एंटिटी इन अ कॉलम ए देयर आर द मोस्ट टू प्लॉजिबल एंटिटीज इन कॉलम ए, बिल्कुल क्योंकि कॉलम कोई एक एंटिटी ऐसी है जिसके दो जो है आंसर हैं, जैसे यूनिट ऑफ वर्क का एक जूल भी हो जाएगा, एक कैलोरी भी हो जाएगा। तो ये बात कह रहा है, एक कोई ऐसी एंटिटी है कॉलम ए में जिसकी क्या है, दो प्लॉजिबल एंटिटीज़ हैं कहाँ पर, कॉलम बी में। तो बिल्कुल ये बात तो यहाँ पर क्या है, ये सही रीज़न दिखाता है कि ये पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। बेसिकली होना क्या चाहिए था, एक ही चिन्ह होना चाहिए था। तो ठीक है, ये बात तो यहाँ पर सही है, हमें जो रीज़न नहीं होगा वो बताना है। ठीक है, द मैचिंग पेयर कैन इजीली गैस, देखिए मैचिंग पेयर जो है वो इजीली गैस हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी गैस कर लिए, देखिए यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा, जैसे मैंने न्यूटन बता दिया, तो ये इजीली गैस हो सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि ये प्योरली कंस्ट्रक्टेड हैं। देयर इज इनकंसिस्टेंसी अमंग एंटिटीज़, यहाँ पर जो ये एंटिटीज़ दी हैं उनमें क्या है, जो प्रविष्टियाँ यहाँ पर दी हैं उनके बीच में क्या है, विसंगति है, साफ साफ हमें दिख रही है उनके बीच में क्या है, विसंगति है। तो ये सब हमें एक रीज़न दे सकते हैं कि ये क्या है, ये सारे के सारे प्योरली कंस्ट्रक्टेड हैं। लेकिन ये देयर आर अनइक्वल एंटिटीज इन कॉलम ए एंड बी, ये एक रीजन नहीं होगा कि ये पुअर कंस्ट्रक्टेड है, क्योंकि जो मैच द फॉलोइंग होता है उनमें क्या होता है, इसी तरह से दिया जाता है, ऐसा थोड़ी उसकी लाइन में उसका आंसर दे देंगे। तो हम ये नहीं कह सकते देयर आर अनइक्वल एंटिटीज इन कॉलम ए एंड बी, कॉलम ए और बी में असमान प्रविष्टियां हैं, ये यहां पर क्या होगा, ये यहां पर सही रीजन नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहां पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन, यहां पर हमसे पूछा गया है कि सही विकल्प जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होगा। असर्शन, अभी कथन हमें यहां पर क्या दिया कि सूखी हुई किशमिश को जब हम कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो परासरण के कारण फूल जाती है। बिल्कुल सही बात है, ड्राइड रेजिन जो है व्हेन लेफ्ट इन अ प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखिए, रिवर जो हमारा पानी का हम फिल्ट्रेशन करते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू ही फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, प्लांट्स हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देखिए सेल होते हैं हर ऑब्जेक्ट में, क्या होता है सेल होता है कोशिका, तो इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो परागम्य होती है, उसमें से चीज़ें आदान प्रदान हो जाती हैं। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो बिल्कुल सही आंसर है। इसी वजह से क्या होता है, जो ड्राई रेजिन होती है प्लांट की, जो उसी की निकली हुई होती हैं, जब उनको प्लेन वाटर में छोड़ते हैं सम टाइम के लिए तो वो फूल जाती हैं, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। ये बात भी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा, दोनों बात यहाँ पर सही है, और आर जो है वो उसकी सही व्याख्यान कर रहा है, क्योंकि वो परमिएबल उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी वजह से वहां पर ऑस्मोसिस होता है, और ऑस्मोसिस की वजह से ही हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाने की वजह से ही जो ड्राइड रेजिन होता है, सूखी हुई किशमिश होती है, वो आपकी फूल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज एट अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी, ये हमको बतानी है जब हम बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं। देखिए डेफिनेशन हम बिल्कुल नहीं देंगे, लिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एंड फंक्शन दे परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी ये भी नहीं होगा, मानव शरीर में विभिन्न जो पोषक हैं उनकी जो क्रियाएँ हैं उससे हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे
बारे में उनको अच्छे से नहीं बता पाएंगे तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होगा। अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रिटेनिंग टू अ डेफिशिएंसी डिजीज एंड होल्ड अ डिस्कशन अराउंड इट, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो बाकी नॉर्मल डिस्कशन कर लिया हमने ह्यूमन डिजीज से, उन सबको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अभावजन्य रोग से संबंधित जो डॉक्टर है उसके प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा हम वहाँ पर कराएंगे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर हम लेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज किसकी वजह से होती हैं, कैसे होती हैं वो, और फिर उसी के अराउंड हम डिस्कशन करेंगे। उसके थ्रू जो है हम अच्छे से टॉपिक को इंट्रोड्यूस वहाँ पर कर पाएंगे और बच्चे वहाँ पर इंटरेस्ट भी लेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पर हमारा सही सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स स्केप्टिसिज्म, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। ये बिल्कुल साइंस में एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि हमारे 9 प्लैनेट हैं और फिर बाद में हम पढ़ने लगे कि हमारे 8 प्लैनेट हैं, प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा देगा, तो साइंस जो है वो हमेशा संदेहवाद को बढ़ावा देता है। इसमें संदेह जो है चीज़ों को लेकर बना रहता है, कोई चीज़ हो गई वो क्यों हुई उनको समझने में बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, क्योंकि नए साइंटिस्ट आते हैं वो नए अपने ऑब्जर्वेशन करते हैं, नए अपने एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो वो संदेहवाद जो है साइंस में बना रहता है। साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एम्पिरिकल एविडेंस। देखिए जो एम्पिरिकल एविडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर, यही तो करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसी के बेसिस में क्या कर देते हैं, अपना कोई निर्णय वहाँ पर निकाल कर देते हैं। लेकिन कोई और दूसरा साइंटिस्ट आता है बहुत ज़्यादा और ऑब्जर्वेशन करता है, बहुत चीज़ें करता है, फिर वो कुछ अपना नया बताता है, तो वो साइंस क्या होता है उसको प्रमोट करता है किसको, संदेहवाद को, क्योंकि विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक जो है दावों की वैधता के को क्या करते हैं वहां पर आंकते हैं। जो वैधता है किसी भी दावे की, जो वैलिडिटी है वो किसके बेसिस पर क्लेम करते हैं, जो एम्पिरिकल एविडेंस होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से चीजें निकल कर आती हैं उनके बेसिस पर ही वो चीजों को बताते हैं साइंटिस्ट, उनके बेसिस पर ही उनकी वैलिडिटी को जज करते हैं। इसी वजह से जो विज्ञान है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि देखने चीजें बदलती रहती हैं, उसके बाद क्या होता है मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, इसलिए संदेह बना रहता है, क्योंकि जो हमें दिखता है और जो हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उसके बेसिस पर ही हम उसको वेरीफाई कर देते हैं, उसको जज कर देते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं। इसी वजह से संदेहवाद जो है वो विज्ञान में बना रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहां पर सही हो जाएगा। यही यहां पर बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है स्टेटमेंट जो है वो यहां पर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बिल्कुल प्रीवियस ईयर से एज इट इज उठा कर दिया हुआ क्वेश्चन है। अ बॉक्स ऑफ मास 500 ग्राम इज लाइंग ऑन एन हॉरिजॉन्टल टेबल, क्षितिज मेज पर एक टेबल है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर क्या है एक बॉक्स जो है 500 ग्राम का जो बॉक्स है उस पर वो पड़ा है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। देखिए हम पढ़ते हैं बार बार, अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उस पर क्या होता है संतुलित बलों का जो युग्म है वो उस पर कार्य कर रहा होता है, ऊपर की तरफ भी नॉर्मल फोर्स होती है, नीचे की तरफ एक फोर्स है जो टेबल जो है ऊपर की तरफ बॉक्स पे लगा रही है और एक बॉक्स है जो नीचे टेबल की तरफ लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स जो है वहाँ पर एक्ट कर रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर से लिया हुआ ही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना था 2023 में, मैंने क्वेश्चन भी डाला, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनसे रिलेट करके उन्हीं को घुमा के पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू अ पेरिस्कोप, पेरिस्कोप को हम बताना है किसके द्वारा किया जा सकता है, तो देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का बहुप्रवर्तन जो है उस पर जो है वो आपका पेरिस्कोप काम करता है। अब देखिए पेरिस्कोप क्या होता है, जो पनडुब्बी में होता है, जो पनडुब्बियाँ होती हैं पानी के अंदर, उनमें पानी के ऊपर का देखने के लिए पेरिस्कोप लगाए जाते हैं बेसिकली, और ये पेरिस्कोप किस पर वर्क करते हैं, ये आपके रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो भी पीछे क्वेश्चन था उस पर ये वर्क करते हैं। देखिए होता क्या, सेम ऐसे ही होता है, देखिए सपोज आदमी पनडुब्बी के नीचे है, तो यहाँ से लाइट से जो है आँख से यहाँ टकराई, अब यहाँ पर क्या लगता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का नियम लगता है, रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है, जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट कराती है उसी एंगल से वो चली जाती है, ठीक है, तो वो ऐसे चली गई, ये आई इस तरह से, ये ऐसे चली गई, फिर यहाँ पे भी क्या हुआ एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक मिरर है, तो उसमें भी क्या हुआ लाइट यहाँ से टकराई, सेम ऐसी यहाँ से निकल गई, जब ये टकराई तो सेम ऐसी यहाँ से निकल गई, तो सेम ऐसी यहाँ से हमें बाहर का ऑब्जेक्ट क्या वो हमें दिख गया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है उस पर ये वर्क करता है पेरिस्कोप। तो यही पूछा था, एक्स इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी अराउंड कॉर्नर एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाई, तो हमें बताना है जो है अराउंड कॉर्नर हमें देखने के लिए, देखिए तो उसमें क्या होता है हम किसका यूज़ करते हैं, हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं, और ये पेरिस्कोप किस पर वर्क करता है, परावर्तन जो रिफ्लेक्शन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उस पर ये वर्क करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी आपका नोट से सिंपल एज इट इज आसान सा क्वेश्चन बना। एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड विच कैन बी यूज फॉर मेटलिंग द रोड। देखिए, मेटलिंग ऑफ रोड में हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है, उसका नाम क्या होता है? बिटुमेन होता है। बहुत बार पिछली बार भी चिक चिक कर आपको बताया था, तो यहाँ पर तो बिटुमेन हो जाएगा। एक्स इज ड्राइव फ्रॉम द पेट्रोलियम। तो देखिए, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है आपका जो रोड में मेटलिंग के लिए यूज करा जाता है, और ठीक है, ब्लैक लिक्विड होता है, तो वो क्या होता है? पेट्रोलियम का ही बाय प्रोडक्ट होता है, जिसे हम बिटुमेन बोलते हैं। Y is derived from coal, जो coal से मिलती है वो Y है। तो coal से हमें क्या मिलता है? coal tar, और यही coal tar जो होता है, जो naphthalene ball होती है, moth वगैरह, insect वगैरह को भगाने के लिए बनती है, वही क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है, तो किससे बनती है? वो coal tar से बनती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिंपल नोट से आपका सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट द क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ टीचर। निम्न में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? वो हमें यहाँ पर पता नहीं, क्लास में टीचर क्या कर रही है, कोई डेमो करके दिखा रही है, तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगा? रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग आउट इन द क्लास। बिल्कुल, टीचर ये कर सकती है। अब देखिए, बच्चों को कुछ चीज़ समझानी है, कोई डेमो करके दिखाना है, तो सीधी सी बात है, उससे पहले टीचर बिल्कुल ऐसा कर सकती है, वो डेमो खुद उसकी रिहर्सल करके आए और फिर बच्चों को वो समझाए, उससे क्या होगा, चीज़ें बच्चे इजीली जो है वहाँ पर समझ पाएंगे। तो ये तो टीचर कर सकती है, तो ये सही हो गया बिल्कुल। एम्फेसाइज बिफोर हैड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर टू मेक। समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्णय करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। देखिए, समय से पहले नहीं, पहले डेमो हुआ, फिर बच्चे सोचेंगे, फिर चीज़ों पर वो होगा। ऐसा नहीं कि समय से पहले ही उन चीज़ों पर बल दे दिया कि जिससे बच्चों को क्या करना है, जिस पे बच्चों को निर्णय लेना आवश्यक, उससे क्या हो जाएगा, बच्चे डर जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, या हो सकता है वो इंटरेस्ट ना लें। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पहले डेमो दिखाना है पूरा अच्छे से, बच्चों का इंटरेस्ट जगाना है, फिर हम उनको उन चीज़ों पर लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले से ही, पहले हमने जो तथ्य हैं उनमें, उन पर बल देना शुरू कर दिया कि बच्चों को ये चीज़ें निकाल कर लानी है, तो बच्चे वहाँ पर फिर जो है इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यही यहाँ पर एक डिजायरेबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही जो है वो मेरा आंसर होगा। बाकी सप्लीमेंट द डेमोन्स्ट्रेशन विद एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल प्रदर्शन को व्याख्याओं के तरह बताना, पूरा जो डेमो करके दिखा रही है उसकी पूरी एक चीज़ का एक्सप्लेन करना, ये बात भी सही है। फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, जो डेमो करके दिखा रही है वो साथ साथ में क्या कर रही है, वो डिस्कशन भी कर रही है, एक्सप्लेनेशन भी कर रही है, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे टीचर है क्लास में डेमो कर रही है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और उनके बारे में डिस्कशन भी कर रही हूँ, तो है ना। तो ये सब डेमो के टाइम टीचर कर सकती है। बाकी चीज़ों को पहले ही लिंक कर देना, पहले ही बताना कि बच्चों को क्या निर्णय लेना है, क्या निर्माण करना है, उसको पहले ही करके दिखाना, वो चीज़ नहीं है। डेमो से निकल कर आएगी, फिर डिस्कशन एक्सप्लेनेशन से, फिर वो बाद में चीज़ें आएंगी, ना कि पहले ही। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजर और मैन्योर से क्वेश्चन बना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फर्टिलाइजर आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रेंट एज कम्पेयर टू मैन्योर। देखिए, जो ऑर्गेनिक खाद होता है, जैसे जो काओ के डंग वगैरह से मिलता है, ये मैन्योर कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर आते हैं उनमें NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस की जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो रिच होते हैं स्पेसिफिक न्यूट्रेंट में एज कम्पेयर टू द मैन्योर। ये बात बिल्कुल सही है, और सही कथन ही पूछ रहा था। खाद की अपेक्षा जो उर्वरक होते हैं उनमें जो पोषक होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें अधिक होते हैं, ये बात सही है। फर्टिलाइजर एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बिल्कुल सही नहीं है। फर्टिलाइजर प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए, जो ह्यूमस होती है, याद रखेंगे, जो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं ये मैन्योर करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, जो आपके मैन्योर होते हैं वो खाद जो होते हैं वो देते हैं ह्यूमस टू द सॉइल, ना कि फर्टिलाइजर। बाकी फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब इन द सॉइल, नहीं, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करते, नहीं, उनको कम कर देते हैं। तो फर्टिलाइजर को लेकर यहाँ पर सही स्टेटमेंट क्या है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, यही यहाँ पर देखिए गलत हो गया। ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, ह्यूमस जो है देखिए वो कौन प्रोवाइड करते हैं, वो खाद जो होते हैं, जो नेचुरली मिलते हैं आपकी ज़मीन पर, वो ह्यूमस प्रदान करते हैं, ना कि फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजर के बारे में सही, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल तो बनते नहीं है, फैक्ट्री में बनते हैं, इनमें प्लांट के जो न्यूट्रेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, ये सारी बात सही है, ऑप्शन नंबर 3 गलत था। सेम ऐसे यहाँ पर
मैन्योर को लेकर भी पूछा गया था एक क्वेश्चन कि कौन सा फंक्शन मैन्योर का, खाद का कौन सा कार्य नहीं है। देखिए प्रोवाइड पॉकेट इन द सॉइल, देखिए पॉकेट नहीं, जो पुटिका होती है वो प्रदान नहीं करता बीजों की वृद्धि के लिए, ये काम नहीं होता मैन्योर का। बाकी सॉइल के टेक्स्चर को, उसके न्यूट्रेंट को, वाटर होल्डिंग रिटेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, वो सारा काम मैन्योर का होता है। लेकिन प्रोवाइडिंग पॉकेट इन द सॉइल फॉर सीड ग्रो ये नहीं होता। तो इस तरह से मैन्योर फर्टिलाइजर से क्वेश्चन जो है वो आपके पहले भी बनते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट से सिंपल, जो सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पूरा आपको है वहाँ से उठा के मैच द फॉलोइंग बना के क्वेश्चन वहाँ पर बना है। कॉलम ए में क्या है, प्लांट के कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, प्लांट्स दे रखे हैं और वो किस तरह से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, उनकी विधि जो है वो हमें यहाँ पर उनसे मैच करानी है। देखिए जो रोज़ होता है, जो गुलाब होता है, वो आपका क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। यहाँ पर हिंदी में फिफ्थ ऑप्शन लिखा नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जब हम पौधे के किसी पार्ट को ही काट कर क्या करते हैं, उससे नया जो पौधा है वो उग जाता है, नया जो यंग है वो वहाँ पर आता है, तो वो आपका मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है। जैसे रोज़ हो गया, उसके अलावा पत्थर चट्टा जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें पत्तियों से क्या होता है, नया पौधा उग जाता है, तो वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जब प्लांट के किसी पार्ट से ही नया जो प्लांट है वो ग्रो करता है। ईस्ट जो है, हाइड्रोल ईस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, वो बडिंग करते हैं, मुकुलन करते हैं, तो बी का मिलान फर्स्ट से हो जाएगा। फन जो है वो आपकी फंगाई में आती है, वो क्या करती है, स्पोर फॉर्मेशन करती है, आपका क्या करता है, बीजाणु रचना जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और स्पायरोगायरा के बारे में हम पढ़ते हैं, ये एल्गी की कैटेगरी में आता है और ये क्या करता है, ये यहाँ पर विखंडन करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, खंडन करता है, तो डी का मिलान किससे होगा, थर्ड से होगा, जो कि हमें एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में और इसमें देखने को मिलता है, और ए का मिलान फिफ्थ से होगा जो इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो है मेरा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्न में से कौन से पादप रोग जीवाणु से होते हैं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो सिट्रस टैंकर होता है ये किससे होता है, ये आपका बैक्टीरिया से ही होने वाला जो है वहाँ पर रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा फ्यूचर के लिए आप याद रखेंगे, रस्ट ऑफ वीट ये किससे होता है, ये आप याद रखेंगे, ये फंगाई से होता है। बाकी जो ब्राइट ऑफ द ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है वो भी आप याद रखेंगे, वो किससे होती है, वो फंगाई से होती है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, आपने जो गन्ना होगा उस पर देखा होगा रेड रेड हो जाता है, रेड रॉट ऑफ जो शुगर केन होता है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ये सब किससे होते हैं, सब फंगाई से होते हैं। रस्ट ऑफ वीट जो है ये सब किससे कॉज होते हैं, ये सब फंगाई से होते हैं। जबकि जो येलो वेन्स जो आ जाती हैं भिंडी पर, वो किसकी वजह से होती हैं, वो वायरल डिसीज़ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप का बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो फिलहाल हमसे बैक्टीरिया से पूछ रहा था, तो वो हो जाएगा आपका सिट्रस टैंकर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखिए जब आप नोट्स देखेंगे तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में लास्ट में आपको एक टेबल दी है, जिसमें मैंने आपको वहाँ पर रेजिडेंट जो आपका वोल्टेज होता है ना, जो करंट होता है, वो कैसे पैलर और आपका क्या कहते हैं सीरीज कनेक्शन में